एक बहुत खास बात यह है कि ये कम्युनिटी ने डिसाइड किया है। अगर कम्युनिटी का हर आदमी ये कहे कि भाई हम ऐसी ही शादी करेंगे तो फिर किसी पे पर भी, खास तौर पे जो गरीब लोग होते हैं उन पे ये प्रेशर नहीं पड़ता कि मुझे अब खर्चा करना ही है। तो दोस्तों, रिलायंस फाउंडेशन ने इस शो को, इस प्रोग्राम को शुरू कराया था, सत्यमेव जयते। और ये जो आपने अभी क्लिप देखी, इसमें इस बात पर ज्ञान बांटा जा रहा है कि क्यों हमें शादियों में फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप रिलायंस फाउंडेशन के इस प्रवचन को सुनिए और फिर रिलायंस के मालिकों द्वारा एक शादी या फिर कहें कि एक इवेंट पर जो खर्च किया जा रहा है उसको देखिए और फिर आप सोचिए कि मोदी जी सही कहते थे या नहीं कहते थे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो भैया, दुनिया की सबसे महंगी शादी भारत में हो रही है और इसको देख के लग रहा है कि अगर आपकी महीने की इनकम 4-5 लाख रुपए महीना भी है तब भी आपको ये लगेगा कि कितना गरीब हूं मैं। 5,000 करोड़ रुपए मोटा भाई ने इस शादी में खर्च कर दिए, मतलब पूरे पाकिस्तान को कर्ज मुक्त कराया जा सकता था इतने पैसों से, क्योंकि पाकिस्तानी रुपयों में तो ये 17,000 करोड़ रुपए हो रहे हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अब शादी में क्या चल रहा है, कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया है, ये किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जितने भी होते हैं यूट्यूब भी, सारे प्लेटफॉर्म अनंत अंबानी वेडिंग से भरे जा चुके हैं। लग रहा है कि इस काम के लिए अलग से एक बजट बनाया गया होगा। पिछले 7 महीनों से ये शादी चल रही है, मतलब अब तो ऐसा लग रहा है कि 2030 में भी कोई न्यूज आ जाएगी कि भैया आज अनंत अंबानी की शादी का ये फंक्शन तो रह ही गया। बात तो सही है। तो दोस्तों, अनंत अंबानी की शादी के बहाने से ही सही, मोदी जी आखिरकार मणिपुर पहुंच ही गए। आपका मूड है तो मेरा भी मूड है आज। तो भैया, अनंत अंबानी ने शादी में बुलाए हुए अपने दोस्तों को, अपने बारातियों को, क्लोज फ्रेंड्स को गिफ्ट्स भी दिए हैं। ज्यादा कोई बड़ा गिफ्ट नहीं दिया है, घड़ी ही दी है बस, रिस्ट वॉच, ओडेमाज पीगे नाम की घड़ी। एक तो नाम इतना बड़ा है कि बिना पढ़े मैं तो नहीं बोल सकता। ओडेमाज पीगे रॉयल ओक परपेचुअल कैलेंडर लिमिटेड एडिशन वॉच। इसकी जो मार्केट प्राइस है वो ज्यादा नहीं, मात्र 2 करोड़ रुपए है एक घड़ी का प्राइस। तो यहाँ तो विराट कोहली और राहुल गांधी का नुकसान हो गया, फिर भारी मिस्टेक हो गया सर। अभी तक गोदी मीडिया के कोई बड़े सेलिब्रिटी एंकर की तस्वीरें नहीं आई हैं, पता नहीं बुलाया भी गया है कि नहीं। जहां तक है, बुलाया तो होगा ही, लेकिन तस्वीरें अभी तक नहीं आई हैं। हालांकि ये छोटी मोटी शादियों में जाने का टाइम भी कहां है उनके पास, ऑपोजिशन बैशिंग जो करनी है। दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं राहुल, दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं कि राहुल गांधी, एक प्रकृति लास्ट बात कह रहा हूँ, दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं, ये आज तक की भाषा है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कि वो ड्रामा कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा के आज तक बच नहीं सकता है। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, क्या ये वास्तव में आज तक की सोच है LOP के लिए कि राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं? कोई सोच नहीं है, तफ्तीश कर ली है उसके ऊपर? सवाल था जो आरोप है, सुन लीजिए आलोक जी, आपने पूछा है तो मैं जवाब दे दे रही हूँ। जो बीजेपी का आरोप था, तो उसके आगे लिखिए भाजपा कह रही है, भाजपा आरोप लगा रही है, आप कहिए, आप उसमें कीजिए, या तो ऊपर लिखिए कि भाजपा का सवाल है। अब आप जवाब सुनने में इंटरेस्टेड है, इस तरह की राजनीति चले, ये जवाब सुनने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सुन लीजिए। आप नहीं, मतलब मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन इससे घटिया चैनल मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत तेज हो रहा है, हम वो लाइन हम लोग बीजेपी जो पूछ रही थी उसी हिसाब, लेकिन वो वैसा मैसेज कन्वे नहीं हो रहा था, तो आपके बोलने से पहले ही तो मणिपुर पर आपके सुन लीजिए आलोक जी, आपके बोलने से पहले ही वो लाइन हटाकर। अरे भाई साहब, कोई भाग नहीं रहा है, सुनने की हिम्मत रखा कीजिए आलोक जी, पहले पूरी बात होने दीजिए, इसीलिए कहते हैं अधजल भागे हैं, आपने लिखा है पहले ही बदला और था, ताव मत दीजिए मुझे, आपके बोलने से पहले ही आलोक जी हमने बदला था, क्योंकि हमें लगा कि वो ऐसा कन्वे नहीं हो रहा है कि बीजेपी ने लिखा था, तो हमने पहले ही कर दिया है कि सियासत गर्म। जिस समय पर शो चल रहा था उसके बाद तक वो लाइन चलती रही है, इसीलिए हमने फिर उसको बदल लिया है। अभी नहीं पता कि वो लाइन है कि नहीं, मेरे बैठने के बाद तक वो लाइन चली, आप रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल मुझे पता है उसके बाद चली है, उसके बाद हम लोगों ने आपके बोलने के पहले ही हटा के बदल दी थी। मतलब हमारे मीडिया चैनल्स को ऑपोजिशन चाहे कुछ अच्छा करे या बुरा करे, उन्हें बुरा ही दिखाना है।
संवेदना या सियासी वेदना। मतलब ये हो क्या रहा है यार, ये कैसी कैसी बातें हो रही हैं हमारे न्यूज चैनल्स पर। राहुल गांधी ने तो लगता है कि उनका फॉर्मूला अब सीख लिया है मेहनत करने का। वो तो एक पैर यहाँ होता है उनका, शाम को दूसरा वहां होता है, रात को तीसरा कहीं और होता है। हाँ तो वो क्या ना, जब एक पैर यहाँ होता है दूसरा वहां होता है तीसरा पैर तो हमें नहीं पता कि किसी का कहीं होता है, होते दो ही पैर है माने भाई। तीसरे पैर तो आप पहला पैर रुक के जाता है तीसरे कदम पे। आप भी कैसी बात कर रहे हैं, कौन से मूड में है आज सुरेंद्र राजपूत, लगता है आर यू कॉमेडी मी। वैसे किसी गोदी एंकर की तस्वीर शादी में जाने की आई हो या ना आई हो, हमारे सुसुधीर की तस्वीर जरूर आ गई है। और राहुल गांधी जी ने एक बार फिर सुसुधीर को मौका दे दिया है कि वो स्मृति ईरानी जी के मजे ले सके। आपको याद होगा जब पिछले साल राहुल गांधी से उनका सरकारी बंगला खाली कराया गया था तो स्मृति ईरानी ने उस पर कटाक्ष किया था, उसके मजे लिए थे। लेकिन अब जब समय का जो चक्र है वो घूमा है और स्मृति ईरानी को अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ रहा है, तो राहुल गांधी इसके मजे नहीं ले रहे हैं बल्कि उन लोगों को नसीहत दे रहे हैं जो स्मृति ईरानी के बंगला खाली किए जाने पर मजाक बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भैया जीत हार तो लगी रहती है लेकिन हमें स्मृति ईरानी के खिलाफ किसी भी तरह की डेरोगेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी को ह्यूमिलिएट करना, इंसल्ट करना कमजोरी की निशानी होती है, स्ट्रेंथ की नहीं, ताकत की नहीं। बस इसी पर हमारे सुसुधीर भैया को मौका मिल गया और पुरानी रंजिश जो उनकी स्मृति ईरानी चलती है उन्होंने मजे ले लिए। सबसे बड़ा सबक यह है कि ये सरकारी बंगले किसी नेता के नहीं होते बल्कि इस देश की जनता के होते हैं, और जब जनता किसी नेता को वोट नहीं देती और उसे चुनाव में हरा देती है तो ये बंगले भी वही जनता इन नेताओं से छीन लेती। और आज तक चैनल जो राहुल गांधी के मणिपुर जाने को ड्रामा बता रहा था वो भी अब थोड़ा बदलता नजर आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपको भी अनंत अंबानी की शादी देखकर ऐसा लग रहा है कि भैया हम तो कुछ जिंदगी में उखाड़ ही नहीं पाए, मजे तो उनके ही हैं, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, आप भी वही करिए जो अनंत अंबानी की शादी में जाकर हार्दिक पांड्या कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का जय, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।